हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और यम्मी सी वीडियो। ये वीडियो है बच्चों के लिए और ये बच्चों को बेहद पसंद आएगी, तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखें। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट कर। तो ये लिए मैंने एप्पल, तो ये एप्पल मैंने 1 किलो लिए, तो आप इस तरीके से ले सकते हो, आप आधा किलो भी ले सकते हो, यानी जिस तरीके से आपको बनाना है। तो इनको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और इसके छिलकों को हमें इस तरीके से निकाल लेना है और इनके छोटे छोटे हमें पीस कर लेने हैं। तो मैं सभी के छोटे छोटे पीस कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, ये ले ली मैंने कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर हमें कुछ नहीं डालना, ना ऑयल ना पानी, कुछ भी नहीं डालना है। हमें सीधा एप्पल लेना है और एप्पलों को इस तरीके से छील लेना है, बीज भी निकाल देने हैं इसके, जो बीज होते हैं, और इनको हमें अच्छी तरीके से पकने देना है जब तक कि इसका पानी सूख ना जाए। तो बस इसको चलाते हुए और इसको मैं ढक दूंगी और ढक के इसको हमें इस तरीके से 10 मिनट पकाना है। तो इसको हम हटा देंगे, 10 मिनट हो चुके हैं। तो एक बार हम इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे तो एप्पल हमारे अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब लेंगे हम मैशर और मैशर की मदद से इसको बिल्कुल हम अच्छी तरीके से पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो इनको ठंडा करके मिक्सर जार में भी पीस सकते हैं या आप इस तरीके से मैशर से भी कर सकते हैं। ये मैशर से भी बहुत आसानी से हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं सभी को अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि सभी एप्पल हमारे अच्छी तरीके से मैश हो गए हैं। तब इसके अंदर हम डालेंगे चीनी। तो चीनी इससे हमें आधी डालनी है, यानी जितने ये एप्पल हैं उससे हम आधी चीनी लेंगे। तो ये मैंने आधा किलो चीनी ली है। और एक बार आप एप्पल को और टेस्ट कर लें कि खट्टे हैं या मीठे हैं, उस हिसाब से भी आप चीनी डाल सकते हैं, क्योंकि जैम मीठा ही अच्छा लगता है और जैम तो बच्चों को बहुत पसंद आता है, और ये वाला जैम तो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक भी है क्योंकि ये एप्पल का है। अब इसी तरीके से हम चीनी को मिक्स कर लेंगे और इसको जब तक पकाएंगे कि जब तक कि चीनी अच्छी तरीके से घुल ना जाए और इसका पानी सूख ना जाए। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके बच्चों को कौन सा जैम अच्छा लगता है या आपने कभी ट्राई किया है, और मेरी वीडियो आप कहाँ कहाँ से देख रहे हो। तो आप देख सकते हैं कि चीनी सारी अच्छी तरीके से घुल चुकी है और ये अच्छी तरीके से गाढ़ा हो चुका है, यानी इसी तरीके का हमें गाढ़ा जैम चाहिए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे रेड फूड कलर। अगर आपको डालना है तो आप डालें, नहीं तो आप ऐसे भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, पर एक ये एक मार्केट का कलर आ जाएगा जैसे कि मार्केट में हमें मिलता है। फिर इसके बाद हम डाल देंगे थोड़ी सी इलायची पाउडर इसके अंदर। और सबसे मेन चीज़ है, अगर आप इलायची और फूड कलर ना डालें कोई बात नहीं है, पर आप दालचीनी ज़रूर डालें या दालचीनी का पाउडर डाल दें। मैंने दालचीनी का पाउडर लिया है, तो ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, क्योंकि सेब की जब हम कोई भी डिश बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसके अंदर दालचीनी का डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे एक अलग ही टेस्ट आता है और एक अलग ही इसको फ्लेवर मिलता है। तो इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए इसको हम और पका लेंगे। और आप जान सकते हैं ये कि इसको है ना हम 6 महीने तक स्टोर करके फ्रीज में रख सकते हैं और इस जैम को हम इंजॉय कर सकते हैं, और इसका टेस्ट आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसे कि मार्केट में मिलता है। तो 2 मिनट पकाने के बाद फिर मैं करूँगी इसको सर्व। तो हमारा टेस्टी सा यम्मी सा एप्पल जैम बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हैं, इसको मैं ब्रेड पे लगाकर और दिखा दूँ, बिल्कुल कि ऐसे ही है जैसे कि हमें मार्केट में जैम मिलता है, ना कलर में टेस्ट में कोई भी आपको डिफरेंट नहीं मिलेगा और खाने में बहुत मज़ा आएगा। यानी आप इसको ब्रेड के साथ या बच्चे पराठे के साथ खा सकते हैं, आप उनको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं इस तरीके से। तो ये मैं दोनों ब्रेड पे लगा देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों की वीडियो कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।